मारवाड़ी मिर्डी आप देख रहे हैं। आज है 22 जून 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा। हालांकि सुबह 6:37 के बाद प्रतिपदा तिथि भी शुरू हो जाएगी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ने के लिए समुन्दर पर पुल बनाने की तैयारी हो रही है। भारत और श्रीलंका के बीच प्रस्तावित भूमि संपर्क को लेकर अध्ययन अंतिम चरण में है। वैसे आपको बता दूं, धनुषकोडी और तलाई मन्नार के बीच समुद्री पुल का प्रस्ताव 2 दशकों से चर्चा का विषय रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वाकई यह पुल का निर्माण हो जाता है तो इसे हनुमान ब्रिज या फिर राम सेतु का नाम दिया जा सकता है, जो भारतीय इतिहास के उस अध्याय से लिया गया है जिसमें भगवान राम ने श्रीलंका तक पहुँचने के लिए वानरों की मदद से राम सेतु का निर्माण करवाया था। और अब बड़ी खबर यह है, भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ने के लिए समुन्दर में पुल बनाने की तैयारी हो रही है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। 21 जून को भारत के साथ पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में योग दिवस मनाया। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में डल झील के किनारे बने शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में योग किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के कई देशों ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया है। पीएम मोदी ने कहा, सऊदी अरब में भी योग को अपने एजुकेशन में शामिल किया है। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। झारखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए वहां की चंपाई सरकार ने महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपए भेजेगी। सरकार की इस योजनाओं का लाभ वहां की 40 लाख महिलाओं को मिलेगा। चंपाई सरकार ने 1 जुलाई से मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी में है। वैसे आपको यह भी बता दूं, झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और सूबे की सतह पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनावी मोड में आ गई है। इसी वजह से महिलाओं को यह खास तोहफा दिया जा रहा है ताकि चुनाव में इसका फायदा मिले। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इसके लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द योजना की रूपरेखा और रणनीति तैयार करने के आदेश दिए हैं। अगस्त तक इस योजना को लागू करने का समय रखा गया है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने वैकेंसी निकाली जाएगी। यह ऐलान खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई कर्मचारी रिटायर होगा उसके पद पर वैकेंसी निकाली जाएगी ताकि बैकलॉग जैसी समस्याओं से युवाओं को परेशान न होना पड़े। उन्होंने यह भी कहा, सरकार कॉलेज लेक्चरर के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने पर मंथन कर रही है। सीएम ने कहा, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप किसी तरह की चिंता न करें, हमारी सरकार में कोई भी पद खाली नहीं रहेगा, हम हर महीने वैकेंसी निकालेंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। अगले महीने राज्य सरकार विधानसभा का बजट सत्र बुला रही है। इसमें वित्त मंत्री दिया कुमारी प्रदेश की भजन लाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। बड़ी खबर यह है, इस बजट सत्र को लेकर भजन लाल सरकार असमंजस में पड़ गई है, क्योंकि समस्या यह है मौजूदा सरकार का पहला बजट होने के चलते इसमें कई बड़े ऐलान होने हैं। सरकार ने अब तक पिछली सरकार की योजनाओं को बदला है, इसके अलावा नई योजनाओं का ऐलान भी करना होगा और अब इन सब के लिए नए सिरे से प्रावधान करने होंगे। यदि केंद्र की तरफ से राशि में कटौती ज्यादा हो जाती है तो उसी के अनुसार इन योजनाओं का खर्च भी घटाना पड़ सकता है। अच्छा, समस्या यह भी है, अब की बार राज्य सरकार पहले बजट पेश करेगी और केंद्र सरकार बाद में जुलाई के अंतिम सप्ताह में बजट पेश करेगी। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर ये भी देखिए। सीएम भजन लाल शर्मा ने प्री बजट मीटिंग में किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। ऐसे में आने वाला बजट किसानों के लिए खास रह सकता है। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, इस बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए। ऐसे में अब मंत्री मीणा के इस्तीफे को लेकर चल रहा संशय भी खत्म हो गया है, यानी कि किरोड़ी लाल मीणा अब इस्तीफा नहीं देंगे। मीणा लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद पहली बार किसी सरकारी बैठक में मंत्री के तौर पर शामिल हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों की ई केवाईसी की चाल अब सुस्त पड़ गई है। स्थितियां यह है कि ई केवाईसी की प्रक्रिया शुरू हुई करीब 8 दिन हो गए, लेकिन तेज गर्मी और ग्रीष्म अवकाश के चलते लोग राशन की दुकानों पर पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्यापन की चाल मंद पड़ने पर अधिकारी राशन डीलरों को घर घर जाकर ई केवाईसी करवाने का दबाव बना रहे हैं। आपको बता दूं,
हेतु सरकार ने समस्त राशन उपभोक्ताओं को ई केवाईसी कार्य 30 जून के पूर्व करवाने के फरमान दिए हैं। तय समय अवधि में सत्यापन नहीं होने पर 1 जुलाई से राशन बंद हो सकता है। यानी कि अगर आपको परिवार के सभी सदस्यों का राशन चाहिए तो राशन कार्ड में जितने नाम है उन सभी की ई केवाईसी करवानी होगी। जिसकी ई केवाईसी नहीं होगी उसका राशन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं किसानों के लिए बड़ी खबर। किसानों के सम्मान के रूप में दी जाने वाली निधि में फर्जीवाड़े की आशंका को लेकर केंद्र सरकार अब एक बार फिर सजग हो गई है। सम्मान निधि के पात्र किसानों का सरकार की ओर से हर जिले में भौतिक सत्यापन यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए स्टेट नोडल अधिकारी ने सभी जिलों के कलेक्टर को केंद्र सरकार से आई सूची भेज दी है। अब इसको रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से संबंधित जिले में पात्र व अपात्र किसानों की सूची तहसील स्तर पर भेजा जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन तहसील कर्मचारियों को 3 दिन में करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद सूची को अपडेट करके स्टेट नोडल अधिकारी के जरिए किसान कल्याण बोर्ड के पास भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद ही पात्र किसानों को सम्मान निधि की आगामी किस्त जारी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रदेश में 6,41,000 से ज्यादा और अकेले सीकर जिले में करीब 21,000 किसानों की पात्रता के फिजिकल वेरिफिकेशन होना है। यानी कि एक बार फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सरकार को फर्जीवाड़े की आशंका हुई है, जिसको लेकर सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार की ओर से अब हर जिले में भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा और अपात्र लोगों को इस योजना से बाहर निकालने का काम फिर से शुरू होगा। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जयपुर में नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए NSUI ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से शहीद स्मारक तक मशाल जुलूस निकाला, विरोध जताया। NSUI कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर मोदी सरकार ने नीट का पेपर रद्द कर फिर से परीक्षा का आयोजन नहीं किया तो NSUI देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। अजय आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। वायदा बाजार में तेजी के असर से शुक्रवार को जयपुर सरापा बाजार में सोने और चांदी दोनों धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 600 रुपए बढ़कर 93,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 650 रुपए तेज होकर 74,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और 22 कैरेट सोने की बात की जाए तो यानी कि जेवराती सोना भी 700 रुपए बढ़कर 69,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि सोने के बढ़ते भाव को देखते हुए खरीददारी की रफ्तार काफी धीमी है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। राजस्थान में प्री मॉनसून की एक्टिविटी लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। जयपुर, कोटा, अजमेर, नागौर, अलवर, इसके साथ ही चूरू और बीकानेर के भी कई स्थानों पर बारिश देखी गई। सवाई माधोपुर और टोंक जिले में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना बन गया। हालांकि यह बारिश इन जिलों के सभी स्थानों पर नहीं हुई। कुछ स्थानों पर तो बारिश हुई लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश नहीं हुई। अब बड़ी खबर यह है इस पश्चिमी विक्षोभ का असर अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यानी कि गंगानगर, बीकानेर, नागौर, चूरू यहां पर आज बारिश में कमी आ जाएगी। लेकिन दूसरी ओर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, झालावाड़, बारामबूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू यहां पर आज से लेकर 24 जून तक आंधी बारिश की संभावना बनी रहेगी। हालांकि राजस्थान में सभी जगह और मॉनसून की अच्छी बारिश के लिए अभी इंतजार करना होगा। मौसम विभाग की माने तो 25 जून के आसपास मॉनसून की राजस्थान में एंट्री हो सकती है। हालांकि राहत की बात यह भी है इससे पहले राज्य में प्री मॉनसून की गतिविधियां जारी रहेगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।